चलिए सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए हम 12th क्लास की बुक इंडियन सोसाइटी का चैप्टर 4 कंप्लीट कर रहे हैं। आज उसका फाइनल टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? ग्लोबलाइजेशन, इंटरलिंकिंग ऑफ लोकल, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। चैप्टर का नाम है चैप्टर 4, द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। हमने पिछले लेक्चर के बाद कुछ चीज़ों को सीखा था। क्या सीखा था, ध्यान से देखिए। हमने ये देखा था कि कैपिटलिज्म एक सोशल सिस्टम की तरह काम करता है। क्लियरली कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर दो बातें समझाना चाहते थे। अगर समझ आ जाए तो सारा सार समझ आ जाएगा। पहली चीज़ वो ये समझाना चाहते थे कि जो कैपिटलिज्म है, इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट्स अबाउट द प्रोडक्शन रिलेशंस। वो ये कहना चाहते थे कि मार्केट इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड इट्स नॉट अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स अबाउट द प्रोडक्शन रिलेशंस। वो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुई एक इकोनॉमी में और फिर एक्सचेंज हुई, ये किन रिलेशंस के वाया हुई, इन्होंने किन रिलेशंस को जन्म दिया? तो कोई कैपिटलिस्ट हुआ, कोई वर्कर हुआ। कैपिटलिस्ट अर्थात जिसके कंट्रोल में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो एम्प्लॉयर है, वो ऑनर है, और जो सिर्फ और सिर्फ देने के लिए अपनी लेबर ही दे सकता है वो वर्कर है। यहाँ पर लेबर एक कॉमोडिटी बन गई। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते थे कि भाई तेज़ी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कॉमोडिफिकेशन होता है, यानी कि वो चीज़ें जो पहले कभी बाज़ार के अधीन आदान प्रदान का हिस्सा नहीं थी, यानी कि एक्सचेंज का तरीका नहीं थी, वो चीज़ें भी बाज़ार के तहत प्रोड्यूस की जाती हैं और बाज़ार में एक्सचेंज की जाती हैं, जैसा कि लेबर। तो कार्ल मार्क्स कहते थे कि ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं सोसाइटी के लिए। तो कार्ल मार्क्स का सीधा सीधा मानना ये था कि चाहे आप बात इकोनॉमी की करें, कैपिटलिज्म की करें, ये सभी के सभी चीज़ों का प्रभाव सोसाइटी एंड कल्चर पे होता है। ये सभी की सभी सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। उन्होंने इसको प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रोडक्शन रिलेशंस अनइक्वल हैं, ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कराते हैं, ये एक सेगमेंट को डिप्राइव करते हैं रिसोर्सेज से, इसी के कारण सोसाइटी में क्लास स्ट्रक्चर बनता है, द रिच क्लास एंड द पुअर क्लास, द हायर क्लास और द लोअर क्लास, द एम्प्लॉयर क्लास और द वर्कर क्लास, और द अनदर द फाइनल वन इज द कैपिटलिस्ट क्लास और द लेबर क्लास। तो वो ये कहते हैं कि इस क्लास स्ट्रक्चर का जन्म ही समाज में इस आधार पे होता है कि प्रोडक्शन रिलेशन क्या है, और कैपिटलिज्म के अंदर पर्टिकुलरली ये प्रोडक्शन रिलेशन ऐसे होते हैं कि एक क्लास एम्प्लॉयर्स की क्लास है, एक वर्कर की, वर्कर के द्वारा दी जाने वाली लेबर के दम पर प्रोड्यूस हुई चीज़ों का वैल्यू कंज्यूम कर जाता है, सारा का सारा कंसंट्रेट कर जाता है एम्प्लॉयर। तो दैट्स वाई दिस सोसाइटी इज़ नॉट इगैलिटेरियन, रिसोर्सेज आर नॉट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, देर इज़ इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो वो ये बताते थे कि ये नकारात्मक है समाज के लिए। फिर दो अंग पढ़े गए, एक तो पढ़ा था कमोडिफिकेशन, दूसरा कंजम्पशन। यहाँ पे मैक्स वेबर बताते हैं कि कंजम्पशन का पर्पस सिंपली अपनी नीड्स को सर्व करना नहीं है, रिक्वायरमेंट्स को सर्व करना नहीं है। कंजम्पशंस सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स क्लासेस को बाकी ग्रुप्स और क्लासेस से अलग दिखाने का एक तरीका भी है। आप अपनी टेस्ट, अपनी प्रेफरेंसेस के वाया अपने आप को एक डिस्टिंक्टिव ग्रुप या कैटेगरी दिखाते हैं। आप अपना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस प्रोजेक्ट करते हैं अपनी कंज्यूम की जाने वाली आर्टिकल्स को फ्लॉन्ट करके, यानी कि दिखा करके, ओके, आप दिखाते हैं। और इसी माध्यम से वो ये कहते हैं कि तेज़ी से लाइफस्टाइल बदल रहा है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप बदलते हुए समाज को, बदलती हुई अर्थव्यवस्था को, संस्कृति को समझना चाहते हैं, आप बदलती हुई जीवन शैली को समझें, लाइफस्टाइल में आ रहे ये तेज़ी से परिवर्तन आपको समझने होंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि सोसाइटी में चेंजेस किस तरह के आ रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी में महत्व मटेरियलिज्म का है। देखिए, एक समय हुआ करता था लोग बहुत तीव्र गति से ज्ञान चर्चा, शास्त्रार्थ, तर्कशालाएं, डिबेट्स, डिस्कशंस, इनमें एंगेज रहते थे। आप देखेंगे मूवीज़ में
सॉन्ग्स में, हर कल्चर में भी ये दिखाया जाता था कि लड़के लड़कियाँ उनके प्रति अट्रैक्ट हो रहे थे जो इस तरह के डिबेट्स में अव्वल आते थे। उनकी कॉलेज में भी एक अच्छी पोजीशन होती थी, उनकी सोसाइटी में भी एक अच्छी पोजीशन थी, लोग उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी प्रोवाइड करते थे। लेकिन अब समय बदला तो आप पर्दे पर देखेंगे, चाहे मूवीज़ हैं या सॉन्ग हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर सर्कल में, सोसाइटी में आप देखेंगे कि रिस्पेक्ट अटैच और अटेंशन उसको प्रोवाइड की जा रही है जो अच्छी वेल्थ के ऊपर कमांड होल्ड कर रहा है और वो वेल्थ को प्रॉपरली फ्लॉन्ट कर रहा है। तो गाड़ियाँ हैं, मोबाइल हैं, घर बार हैं, आप इंस्टाग्राम को देखें, वो इन चीज़ों से भरा हुआ है। यू विल सी, बहुत रेयर देखेंगे, मुझे नहीं लगता कहीं दिखेगा भी, इंस्टाग्राम पे आपको कोई अच्छे मुद्दों पर डिबेट करती हुई क्लिप्स मिलेंगी, ऐसे डिबेट सेशंस मिलेंगे। बट आप देखेंगे तो गाड़ियों के पेजेस बने हुए हैं, बाइक्स के पेजेस बने हैं, घरों के पेजेस बने हैं, और अब वीडियोस भी हैं जिसमें घर शूट करके वीडियोस डाले जा रहे हैं। खेत ही खेत हैं, उनमें एक घर है और वो घर शूट करके डाला जाएगा कि ये फलाना फलाना घर है, और उसके मिलियन व्यूज़ होंगे। कारण है कि आज आप जो भी अपनी लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है, जो वो एक तरह से बदलते समाज का दर्पण ही है कि समाज किन चीज़ों को अब सम्मान देता है, किन में मूल्य स्थापित करता है और किस चीज़ के क्या मीनिंग डेवलप करता है। तो ऐसे में तेज़ी से बदलता हुआ ये समाज और लाइफस्टाइल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और यही कंजम्पशन है जो कैपिटलिज्म का आधार है। कैपिटलिज्म एडवर्टीजमेंट के माध्यम से आपके इस नर्व को पकड़ता है कि आप क्या मांग रहे हैं, और फिर वो आपको एक दिशा में सोचने के लिए मजबूर करता है, चाहे वो बच्चों के फूड प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो जिम जाने वालों के लिए हेल्थ प्रोडक्ट्स हों, हेल्थ सप्लीमेंट्स हों, चाहे वो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए ड्रिंक प्रोडक्ट्स हों जैसे कि कॉफ़ी और बाकी एनर्जी ड्रिंक्स हों, चाहे वो अच्छी गृहिणी के लक्षण हों, अच्छी गृहिणी को कौन सा सर्फ, साबुन, कौन से टिफ़िन यूज़ करने चाहिए बच्चों के लिए, अच्छी गृहिणी को फॉइल पेपर कैसा यूज़ करना चाहिए, अच्छी गृहिणी की वॉशिंग मशीन कैसी होती है, अच्छी गृहिणी कितनी तेज़ी से खाना बनाती है, अच्छी गृहिणी अपने बच्चों को कौन सा, माता पिता और पति को कौन सा तेल खिलाती है, जिसके पति को थोड़ा सा भागने से सांस चढ़ी वो गृहिणी अच्छी नहीं है, जैसे ही उसने देखा पति को सांस चढ़ी तो उसने अच्छा सा कोई गफोला पिला दिया, उसमें पूड़ियाँ खिला दी, पति फिट हो गया। और नेचुरली कोई भी गृहिणी इतना पाप तो नहीं लेना चाहेगी इस ऐड को देखने के बाद कि वो अपने पति से कहे कि सांस चढ़ती है, वो कहे हाँ, तो वो कहे ओ कल से ये वाला ऑयल लेकर के आना। तो बट एक्चुअली यू आर डूइंग द वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट इज़ हेल्पिंग अ लॉट टू द कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के तहत हर रोज़ न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। इवन यू कैन सी द रेंज ऑफ, आई एम नॉट अगेंस्ट द प्रोडक्ट्स, मैनी प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी गुड, प्रोडक्ट्स आर गुड, देर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट द थिंग इज़, उसके पहले आप कितने बैड थे ये भी पता लगाओ। वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, इट इज़ गुड, पता लगाएं वो बैड थे। शैम्पूज़ हैं आज, वे बहुत सारी रेंज ऑफ शैम्पूज़ हैं, जब शैम्पू नहीं थे। चलिए बात आदिवासियों की कर लेते हैं, मैंने इतिहास पढ़ा है और उसमें आदिवासी योद्धाओं को और नेताओं को देखा है, मुझे तो उनका माथा भी नहीं नज़र आता, इतने घने बाल थे। तो ऐसा तो नहीं था कि शैम्पू आने से पहले भारतीय गंजे हुआ करते थे, बालों की कमी हुआ करती थी, सर पे बाल ही नहीं होते थे। शिकाकाई का जिक्र शुरू से है, अच्छी अच्छे भोजन का जिक्र शुरू से है, केश को लेकर के अच्छे विधान शुरू से ही हैं, नियम हैं। लेकिन फिर जब एक इंडस्ट्री के वाया प्रोडक्ट डेवलप किया गया तो आपके माइंडसेट को पकड़ के एडवर्टीजमेंट भी वैसे ही बताई। मतलब बहुत ज़्यादा पराक्रमी है वो लड़का जो शायद हेड एंड शोल्डर यूज़ करता हो। एक तो वो एकदम शार्प जॉ लाइन है उसकी, फिट बहुत रहता है, और वो यूज़ करते ही कुछ करने लग जाता है। मैं कई वर्षों से नहा रहा हूँ और आज दिन तक भी शैम्पू करने के बाद ऐसा कोई कारनामा नहीं कर पाया, पता नहीं उन शैम्पूओं में क्या ही है जो टीवी पे वो लगाते हैं। तो दैट इज़ द थिंग। और हम लोग जूते भी पहनते हैं, लेकिन जब टीवी पे वो जूता पहनता है वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद टीवी पे जब वो रफ़ एंड टफ जीन पहनता है तो वो रोपवे पे बीच में डोली गिर जाने के बाद लड़की लटकी हुई लड़की को अक्षय कुमार उस जीन की वजह से
बचा लेता है क्योंकि उसने रफ एंड टफ की जीन पहनी हुई है। मतलब यूथ क्या चाहता है, किसे इम्प्रेस करना चाहता है, वो कैसा हीरोइज्म चाहता है, वो यही तो चाहता है। एडवर्टीजमेंट आपकी उसी सोच को कैप्चर करती है। ज़माना किधर को बदल रहा है, ज़माने में अब क्या ओपन किया जा रहा है, कॉलेज सिस्टम, स्कूल सिस्टम, जिसमें को एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, क्या इनको घुलने मिलने दिया जा रहा है, उसके तहत अब इनके पास अवसर हैं उनके साथ उठने बैठने के। तो कैंटीन कल्चर, कैंटीन में लग रही शर्तें, उन शर्तों में यूज़ हो रही कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स और उसका एक्शन, मैं हमेशा से देखता रहा हूँ कि पहले सलमान को थम्सअप पी के बहुत ताकत रहती थी, अब पेप्सी पीते हैं वो, अब उनको वैसे ताकत है, फिर थम्सअप रणवीर ने पिया उसे भी ताकत मिली, अब वही थम्सअप शाहरुख पी रहे हैं। तो या तो ये कारण हो सकता है कि इन सबके सफल रहने का कारण समय समय पर थम्सअप रहा हो, और ये बड़ी चीज़ है। तो थम्सअप पी के बहुत पावर है इनमें, ये बस फर्स्ट है। लोग ये देखते हैं कि एक ट्रेन चल रही है, उसमें चलती ट्रेन में एंटर होके शाहरुख गुंडों से आपको बचाते हैं, रीज़न उसका थम्सअप है। सलमान का रीज़न जो है वो पेप्सी, उनका कूल कोशेंट जो है वो पेप्सी से आता है। एक्चुअली में आप ये दिख रहा है समाज में तो वो ये बना रहे हैं। मतलब व्हेन यू हैविंग दैट कोक विदाउट ग्लास एंड एवरीथिंग, दैट पेप्सी इट इज़ समवेयर कूल, दिस इज़ गुड, तो वो चीज़ चल रही है। इट इज़ नॉट कूल टू डिस्कस समथिंग इंटेलेक्चुअल, नो इट इज़ नॉट एट ऑल कूल, बट इट इज़ कूल टू हैव दैट ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट इज़ कूल। सो द थिंग इज़ कि दे आर हैविंग इनमस स्टडीज, दे आर कंडक्टिंग स्टडीज, दे आर कंडक्टिंग रिसर्चेज, रिसर्चेज आर ऑलवेज देयर, एंड आप हैरान हो जाएंगे कि भाई कोक बनाते हैं, पेप्सी बनाते हैं या कुछ भी और बनाते हैं, मैगी ही बना लेते हैं, तो इनके पास उसी तरह की केमिस्ट्री किए हुए लोग ही जॉब लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अच्छे अच्छे समाज को जानने वाले लोग, सोसाइटी को डीपली स्टडी करने वाले लोग, सोसाइटी में आ रही ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी करने वाले लोग, इनकी तगड़ी पोस्ट पे रिक्रूटेड होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज देते हैं। देवदत्त पटनायक एक वैसे तो पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन इतिहास में उनकी अच्छी रुचि थी, धर्म के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं, वो अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छी पोस्ट पर काम भी कर रहे हैं। कारण यही है कि वो ये बेहतर समझ पाते हैं कि इस समय समाज किस ओर बदल रहा है। कंपनी फिर अपने प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट्स उसी तरह से विकसित करती हैं, तो फिर उनको वैसे दिया जाता है, जैसे मैगी या जैसे किसी भी तरह के जूस। बच्चा जब स्कूल से आता है तो माता जब वो जूस ना दें, माता माता ही नहीं है, वो माता कहलाने योग्य ही नहीं है, ऐसा उसमें दिखाया जाता है। एक बच्चे की माँ उसे टिफ़िन में हो सकता है खाना दे रही है, लेकिन दूसरे बच्चे की माँ उसे ओट्स दे रही है, ये ज़्यादा लविंग है, ये ज़्यादा केयरिंग है। वो गोभी की सब्ज़ी और रोटी में अब क्या ही रखा है, जो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है ओट्स में वो फोर्टिफाई किया गया है और वो सारा डाला गया है। और मैं हैरान हूँ कि क्या इस देश ने दारा सिंह नहीं दिए थे, क्या उन्होंने किंग कॉन्ग को नहीं हराया होगा, क्या तब हमारे देश में योद्धा नहीं होते थे। हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई योद्धा थे, और भोजन अगर सही मात्रा में लिया जाए, संतुलित रूप में लिया जाए, तो शक्तिमान ही बनाता है आपको, अच्छा बनाता है। लेकिन ये ज़रूरी है, अब हो सकता है अच्छी खासी हरी सब्जियां, मौसमी सब्जियां, वीट, ये सब त्याग हो, और अब कल से उसी कटोरे में दूध और उसमें वो ओट्स, क्योंकि बच्चा ये कह रहा है कि मम्मी मैं, आप ओट्स नहीं दे सकते मुझे, वो लोग खाते हैं कॉर्नफ्लेक्स, नहीं दे सकते मुझे। फिर पेरेंट्स के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है कि भाई नहीं दे सकते, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, देना भी चाहिए। आप नर्व पकड़ रहे हैं, समाज की नब्ज़। तो ऐड को ज़रा ध्यान से देखें, माँ का मातृत्व का एलिमेंट पकड़ लिया, बच्चे की सोच को पकड़ लिया, बच्चे क्या मांग रहे थे। मैं आपको बता दूं, ऐसी वाहियात चीज़ें जिनमें कोई स्वाद भी नहीं है, लेकिन ऐड में वो चीज़ें इतनी मशहूर हैं, 40-40, 50-50 रुपए का एक पीस आता है, वो बच्चे मांगे खाएंगे। हलवाई की दुकान पे सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल सूखा, लेकिन ऐड में मशहूर है, बच्चा किसी तरह उसे निगल जाएगा, क्योंकि ऐड है, ऐड है, ऐड इस तरह से चीज़ों को बेहतर करना सिखाती है और आप उसके तहत चलते हैं। तो कंजम्पशन के नए नए एरियाज़ एक्सप्लोर हुए, नए नए सेगमेंट तक कंजम्पशन को पहुंचाया एडवर्टीजमेंट की ही मदद से। एडवर्टीजमेंट की एक बहुत बड़ी भूमिका है कोई भी प्रोडक्ट के विकास में, आज एडवर्टीजमेंट एक बड़ा रोल प्ले करती है, उसके बिना शायद ही चीज़ें संभव हैं बाज़ार तक लेकर के आना। यही कारण है कि इन्फ्लुएंसर्स की भरमार है आज की डेट में, और यही कारण है कि आप हर तरफ चले जाएँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स
का एक नया वर्ग बहुत तेज़ी से उभर रहा है। हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की जानकारी ना भी हो सकता है कि समाज को उसकी आवश्यकता भी ना हो, लेकिन वो प्रोडक्ट है क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर है और वो इन्फ्लुएंसर का लोगों पर एक इन्फ्लुएंस है। प्रोडक्ट शायद इसीलिए है, शायद आवश्यकता ना भी हो, शायद हमें दूध में कुछ डालने की आवश्यकता ना भी हो, बट क्योंकि टीवी पे ऐड है और हमें डालना है, लेकिन शायद आवश्यकता ना भी हो। इन पर विचार करके देखिएगा, शायद आवश्यकता ना भी हो, आप अच्छा खाते हैं और फिर दूध पीते हैं, शायद वो संपन्न हो, शायद कैल्शियम सैंडोज की या फिर कैल्शियम की ऐड है तो शायद आपको 30 या 40 के बाद वो लेनी ही चाहिए, लेकिन अगर विचार किया जाए तो शायद आवश्यकता ना भी हो। आप पाचन क्रिया को बेहतर रखें, मेटाबॉलिज्म रेट अच्छा हो, अच्छा दूध दही समय पर लेते रहें, भोजन संतुलित हो, वॉक पे जाएं, तो शायद आवश्यकता ना हो, क्योंकि कैल्शियम अगर आप सीधे रूप में ले रहे हैं तो शरीर में और भी समस्याएं पैदा करेगा, फिर क्या करेंगे उन किडनियों का जिसमें पथरी जम जाएगी, फिर डॉक्टर दही भी छुड़वा देगा। तो विचार करिए कि शायद आवश्यकता ना भी हो, पर वो चीज़ें घर में हैं क्योंकि वो चीज़ें टीवी पे हैं, क्योंकि जो टीवी पे है वो घर पे होना ज़रूरी है। कई बार घर में आए हुए आदमी को रूआफ़ज़ा ऑफ़र करने में शर्म सी आ जाती है कि शरबत देंगे तो ज़्यादा मॉडर्न फील होता है जब हम उन्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं सॉफ्ट ड्रिंक बोल के पेश करते हैं। तो हमारे जीवन शैली को इस तरह से ऐड प्रभावित कर रही है, हमें कोल्ड ड्रिंक तक बोलने में भी अज्ञानता महसूस होती है, तो हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे आप, शायद आने वाले को ये समझ ना आए कि ये कौन सी ड्रिंक पूछ ली, तो वो ये कह देते हैं नहीं नहीं वो नॉर्मल ठंडा ही दे दो। तो ये कहानी है, आई बात समझ में, ठीक है कमल, लेकिन जो ताजगी शायद वो शरबत दे दे, कोल्ड ड्रिंक ना दे पाए, बाकी जो कोल्ड ड्रिंक दे दे, मैं नहीं कहता कि शायद शरबत भी ना दे पाए, पर विचार करें कि हमारी फ्रिज में, हमारे कपड़ों में, हमारे खाने के टेबल पे और हमारे घर में साज सामान की चीज़ों में क्या है असल में, जो हमें चाहिए या जो टीवी पे है, ये विचार करने योग्य है कि नहीं। आज हर लड़के के मुंह पे एक नाम है, लड़कियों के भी होना चाहिए, होगा भी शायद, मैं मिलता नहीं तो मुझे पता नहीं, ज़रूर होगा कि भाई ये गाड़ी ऑफ रोडिंग में बड़ी अच्छी है, और ये मैं गारंटी कर दूँ ना तो कोई जाता है ऑफ रोडिंग करने, ना कोई ठिकाने ऑफ रोडिंग वाले, इतना पैसा पूसा लगा के ली होती है, मन ही नहीं होता, लेकिन क्योंकि वीडियोस हैं, क्योंकि वो टीवी पे है तो हमें भी वैसा करना है, शायद उसमें फ़न ना आए, शायद मज़ा भी ना हो, लेकिन कहीं वो है और कुछ लोग बहुत फ़न करते दिखाए गए तो वो चाहिए। जैसे महिंद्रा थार की नई ऐड जिसमें लड़का और लड़की के फेरे हो जाते हैं एक वोल्केनो के अराउंड ही थार घुमाते घुमाते, और गाड़ियाँ दोनों की रुकती हैं, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और वो प्रपोज़ करता है, और वो कहते हैं कैसे, वाह अभी तो मैरिज भी नहीं हुई, वो कहता है श्योर नहीं हुई देख लो, तो फिर ड्रोन दिखाता है कि वो एक वोल्केनो था और दोनों की थार उसके आसपास घूम रही थी और शादी हो चुकी। तो दैट रगडनेस द थार इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रगडनेस, और एंड गर्ल्स भी बॉयज से पीछे कहाँ हैं, इसके लिए उन्हें थार के स्टेयरिंग पर बैठना ही होगा, ऐसा एडवर्टाइज़र मानता है, गर्ल्स बॉयज से पीछे नहीं है ये दिखाने के लिए उन्हें थार पर बैठाना होगा, थार पे बैठ ली रगड़ हो गई, कहानी ख़त्म हो गई, है कि नहीं, दैट इज़ ऑल। तो मुद्दा ये है कि हमें ये देखना है, हम जिन चीज़ों पे चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम जो कर रहे हैं, क्या सही में हम मान रहे हैं कि हम इससे सशक्त हो रहे हैं, या हमें कोई मनवा रहा है कि ऐसा करके तुम सशक्त हो जाओगे, ये विचार करने हो, विचार करें, विचार ही तो हैं जीवन में, और करने हो क्या है। तो एक है कि हमें उससे सही में परिवर्तन आता नज़र आ रहा है, एक हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि इससे परिवर्तन आता है, इसी से आता है, दोनों में अंतर है। तो जब हमें कुछ दिखाया जाता है फिर हम उसका सेवन करते हैं, और सेवन करवाना ही पूंजीवाद का आधार है, कैसे बेहतर अधिक और विविध क्षेत्रों में सेवन कराया जाए, कंज्यूम कराया जाए, ओके, तो दैट कंजम्पशन इज़ इम्पॉर्टेंट। यहीं से आगे बढ़ते हैं हम, जब सेवन इतना महत्वपूर्ण है, कंजम्पशन इतने बड़े स्तर पर हैं, तो कमल केवल अपने आप तक सीमित रह के कैसे चल पाएगा, बाज़ार जुड़ेंगे ना, लोग जुड़ेंगे। याद होगी वो कहानी जो आदिवासी क्षेत्र में हमने एक हार्ट के बारे में पढ़ा था, ट्राइबल हार्ट के बारे में कुछ बता सकते हो, वो ट्राइबल हार्ट जो लगा हुआ था बस्तर क्षेत्र में, क्या था वो आदिवासी क्षेत्र में लगने वाला बाज़ार, डिफरेंट आसपास के लोगों को वहाँ पे
गुड चेंज ऑफ गुड्स होते थे। आदिवासी उस दिन अपना सामान वहाँ लेके आते थे, जिनमें शहद हुआ करता था, जिनमें माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हुआ करते थे, बैम्बू आर्टिकल्स हुआ करते थे, और जो चीज़ें वहाँ से प्राप्त नहीं की जा सकती जंगल से, जैसे कि नमक है, जैसे कि बर्तन है कई तरह के, जैसे साजो सामान, ज्वेलरी आर्टिफिशियली से ही, वो चीज़ें बाहरी बाज़ार से वहाँ आया करती थी। किस तरह से वो आदिवासियों का क्षेत्र, वो लोकल मार्केट, इन व्यापारियों के द्वारा नेशनल मार्केट से जोड़ दिया जाता था, हमने ये जादू वहाँ पर पढ़ा था। क्योंकि तेज़ी से कंजम्पशन बढ़ रही है, बाहरी शासकों के द्वारा और ताकतों के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों को अपने अधीन लेकर के उनके एरियाज़ में मनी इकोनॉमी को पेनिट्रेट करा के कैसे उन्हें इंटरलिंक कर दिया गया लार्जर ग्लोबल मार्केट के साथ, तो धीरे धीरे वही कैपिटलिज्म, उसके तहत तेज़ी से बढ़ता कंज्यूमरिज्म और कंजम्पशन हमें तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन की ओर ले जाता है। जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कमल, तो कुछ विचार ऐसे निकल के आते हैं कि ग्लोबलाइजेशन असल में क्या है एग्जैक्टली। तो पहली लाइन तो यही कह देती है कि भाई आप लोकल से रीजनल होते हुए नेशनल से होके इंटरनेशनल मार्केट तक जुड़ जाते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लेक्चर देता हूँ, आपने अक्सर देखे होंगे बच्चे ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इवन पाकिस्तान से कमेंट करते हैं कि भाई हम बहुत सीखते हैं इन लेक्चरों के बाद, ये कब संभव हो पाया? हम जालंधर जैसे एक शहर में हैं जहाँ से, मैं इसे लोकल ही कहूँगा, हम इस रीजन को टारगेट करते हैं पूरा दुआबा इलाका, लेकिन मैं राष्ट्रीय बाज़ार को भी तो टारगेट करता हूँ, मेरे भारत भर से छात्र हैं, छात्राएँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को भी हम टारगेट करते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है। ना होता ग्लोबलाइजेशन तो ये कैसे होता? तो यहाँ पर क्या हुआ है कमल, एक्चुअली में मैंने क्या ट्रांसफ़र किया, क्या ट्रैवल हुआ है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल होती हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ओके, किस लेवल पर? ग्लोबल लेवल पर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में इन चीज़ों का ट्रैवल होता है। यही नहीं, हो सकता है कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा लेक्चर देने के लिए भी वहाँ भी बुला लिया जाए, तो मूवमेंट ऑफ पीपल भी होता होगा। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मूवमेंट ऑफ पीपल, और अगर मैं देखूँ तो मेरा चैनल यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब मुझे पेमेंट भी देता है, तो मूवमेंट ऑफ मनी भी तो होता है, तो मूवमेंट ऑफ मनी होती है। इसके साथ साथ देखा जाए तो जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो मैं यहाँ की एक संस्कृति के बारे में, भारतीय त्यौहारों के विषय में बात करता हूँ, मैं एथिक्स के लेक्चर के वाया महाभारत को समझाने का प्रयास करता हूँ, मैं इतिहास की जब बात करता हूँ, हेरिटेज एंड कल्चर की, तो मैं भारतीय सभ्यता, संविधान, संस्कृति भी तो एक क्षेत्र से दूसरी जगह तक भेजता हूँ, और जब मैं स्वयं भी जाऊँगा तो भी तो मैं वहाँ के लोगों से आज बातचीत करूँगा ही। तो गुड्स, सर्विसेज, पीपल, मनी और कल्चर, कल्चर, इन सब चीज़ों की मूवमेंट होने लग जाती है, लोकल से इंटरनेशनल मार्केट के बीच में मूवमेंट हो जाती है। अब आप मुझे बताओ कि क्या यही मात्र ग्लोबलाइजेशन होगा? नहीं, अभी इसमें कुछ चीज़ों का एडिशन करना ज़रूरी है। जैसे मुझे सही बताओ कि अगर मुझे यहाँ से अपना लेक्चर विदेश भेजना है, या मान लीजिए मुझे देश में ही भेजना है, मैं कैसे भेज पाऊँगा जब तक कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगा? तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी तो चाहिए, तो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में क्या डेवलपमेंट सही मायने में? ये तभी हो पाएगा कमल जब कंप्यूटर्स का, कहने का मतलब यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विकास हो, कई तरह के सॉफ्टवेयर्स का विकास हो, है ना, तो टेलीकम्युनिकेशन का विकास हो, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए ये सब चीज़ों की मूवमेंट होती है ग्लोबलाइजेशन के अंदर, द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज, मनी, कल्चर, और ये होती जिनके मदद से है वो ये है ट्रांसपोर्टेशन, इनकी मदद से ही कराओगे ना मेरे बच्चे, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये दोनों ही
ये ग्लोबलाइजेशन है, सिंपल। बताइए कोई आपको कोई संदेह है इसमें, तो कोई रट्टा मारने की ज़रूरत है? इससे भी पूरा नहीं होता है अकेले, और इससे भी पूरा नहीं होता अकेले, दोनों जोड़ के पूरा होता है, ठीक है। इट इज़ एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन इज़ एक्चुअली द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ द कमोडिटीज, मनी एंड कल्चर बिटवीन द नेशंस, बिटवीन द रीजन्स, विद द हेल्प ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट एग्जैक्टली द ग्लोबलाइजेशन इज, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, ओके। और ये देखा भी है ना आपने, पहले कैसे कंप्यूटर के पहले कैसे सिस्टम था, काम कैसे चलता था, हो सकता था, देखो क्या हुआ। अच्छा, ऐसा नहीं होता था रंजीत कि पहले ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं थी, ऐसा नहीं होता था, होती थी। मैं दिख रहा हूँ अभी, दिख रहा हूँ, होती थी। देखो 1604 के आसपास की बात अगर हम करें, 1604, अभी हम 2022 में, तो ऐसा नहीं था कि तब भारत में विदेशी कंपनियां नहीं आई। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसके बहुत पहले पुर्तगालियों की कंपनी भी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही है, तो उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो तो इंग्लैंड में ही थे, वही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में भी है, कई और मुल्कों में भी है, तो काम तो चल ही रहा था, दे ऑल आर कनेक्टेड। लेकिन वो जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत ही डिफरेंट कनेक्टिविटी थी। समुद्र के रास्ते उन्हें भारत आने में बहुत समय लगता था, यहाँ पे परमानेंटली कर्मचारियों को रहना पड़ता था, उनके परिवार, उनकी फैमिलीज़ को यहाँ रहना पड़ता था, और ऐसे में उनकी अपनी बस्तियाँ ही यहाँ पर पैदा हो जाती थी, उनके अपने एनक्लेव, अपने एवेन्यूज़। तो क्योंकि वो हमारे बीच आए हैं, तो अपने स्कूल, कॉलेजेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, और बच्चों के लिए रहन सहन के लिए घर बार, तो बाहरी लोगों के बीच आके वो अपने एवेन्यूज़ बना लेते थे, अपने एनक्लेव बना लेते थे, ऐसे एवेन्यूज़ और एनक्लेव कल्चर आता था। वाइट कॉलोनी और ब्लैक कॉलोनी, इस तरह के जिक्र आते थे, अपने आप को अलग रखते थे। लेकिन फिर समय बदला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1861 के बाद से चीज़ें बदलने लगी बहुत बड़े स्तर पर, और उसके तहत ये हुआ कि मुल्क भी आज़ाद हुए लगभग तेज़ी से, ख़ासतौर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर वो इस तरह से किसी का सीधे आपके क्षेत्र में आकर के शासन करके यहाँ पर काम धंधा करने की अनुमति भी नहीं देंगे, दे विल नॉट अलाउ यू कि कोई विदेशी ताकत यहाँ पर आए, हम ही पे शासन करे और यहीं यहाँ की धरती का, यहाँ के संसाधनों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे अपने देश के लिए, ऐसा नहीं होने देंगे। तो फिर अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो इस क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति हुई। यह समय लगभग 1994-1995 का था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आगमन भारत में 1980 के समय में हो चुका था। राजीव गांधी इसके एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत थे। राजीव गांधी बहुत ही, आप कह सकते हैं, इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के पर्सनालिटी थे। वो इन तरह की नई तकनीकों को, नई चीज़ों को हमेशा समर्थन करते थे। 1985 के समय के बाद से ही इनको बहुत पुश दिया गया। लेकिन क्रांति जो हुई है भारत में सही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो 1995 के अराउंड, 1995 के अराउंड हुई है। और इसी के बाद आप देखेंगे पूरे भारत में और विश्व भर में एक बड़ा बूम आएगा मल्टीनेशनल कंपनी का, MNC का। कारण ये है कि वो इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में उनका मेन हेड ऑफिस है। वो विश्व के किसी भी मुल्क में अपनी कंपनी खोल करके हेड ऑफिस को उसके साथ रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन में इंगेज कर सकते हैं, द लाइव कॉन्वर्सेशन, तो वो बड़े आराम से कामकाज चला सकते हैं। तो इस तरह से MNC कल्चर बहुत बूम पे आया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से, IT की सपोर्ट से। और इस IT की सपोर्ट से खड़े होने के लिए IT में आत्मा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के विकास होने से हुआ। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का आधार खड़ा रहता है टेलीकम्युनिकेशन, बेटर फाइनेंशियल एक्सचेंजेस के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल कनेक्टिविटी, है कि नहीं? और यार जितनी भी बात कर लें, लेकिन अभी तक ऐसी तकनीक तो नहीं आई ना भाई कमल कि बिस्कुट का पैकेट इंग्लैंड से लंदन किसी तार में आ जाए। उसके लिए तो गुड्स की फिजिकल मूवमेंट ज़रूरी है ना, तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड, ओके। यस, कंपनी कैन डू दैट, कि अगर कोई ब्रिटिश कंपनी है मान लीजिए पलक, तो वो लंदन में बेस्ड है और वो भारत में उसने यहाँ पर अपनी कंपनी लगा रखी है,
चलिए हम कार कंपनियों की बात कर लेते हैं। कंपनी हेड ऑफिस ब्रिटेन में है, वो यहाँ पर काम कर रही है, या फिर जर्मनी में है और यहाँ पर काम कर रही है, तो हो क्या रहा है एक्चुअली में? वो अपने वर्क एथिक्स, ऑफिस मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस नेटवर्क, एवरीथिंग दे आर मेंटेनिंग इन इंडिया, बट एक्चुअली में गाड़ियों की डिलीवरी तो आनी जर्मनी से ही है, आनी तो ब्रिटेन से ही है। उसके लिए पानी के जहाज, सड़कों का, यातायात का साधन, कंटेनर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन के मोड़ तो चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ने ही इस चीज़ को समर्थन दिया। तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन काम करता है। हाँ प्रिया, अब जब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो किस समय की बात हो रही है? देखिए 1980s का वो समय था जिसके समय के बाद भारत में एक लिबरलाइजेशन का फेज़ आया। लिबरलाइजेशन क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन तो इसके पहले क्या हुआ करता था? देखिए हम लगभग 200 साल का शासन झेल चुके थे अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश रूल। इसके बाद हमने ये डिसाइड किया आज़ादी मिल जाने के बाद कि हमें इंडियन इकोनॉमी को रीबिल्ड करना होगा, रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, लेकिन इंडिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही। तो उसमें हम किसी भी विदेशी इंटरवेंशन को नहीं चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि भारतीय इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेगमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स किसी भी तरह से कोई विदेशी कंपटीशन के तहत आके नष्ट हो जाए, क्योंकि अभी आप बिल्कुल नवजात शिशु की तरह थे। अभी तो आपका जन्म ही हुआ था, आपको पहले मजबूत बनना था। ये बिल्कुल वैसा है कि क्लास में एक बच्चा लंबे समय से तैयार हो रहा है और नए आए बच्चे को मैं उसके साथ डिबेट में भिड़ा दूँ, ये तो नए बच्चे को ख़त्म करने जैसा हो गया ना, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं। तो ऐसी प्रक्रिया ना हो इसके लिए कुछ प्रयास किए गए। और वो प्रयास क्या थे? वो जाली वाला दरवाज़ा बंद कर दो। वो प्रयास क्या थे वो समझिए। हमने 1950-51 के अराउंड से 5-ईयर प्लानिंग सिस्टम फॉलो किया था, और इस 5-ईयर प्लानिंग सिस्टम के तहत महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि हमने ये माना कि जो इंडियन स्टेट है, भारतीय राज्य, ये मेन प्लेयर की तरह आगे आए डेवलपमेंट के लिए। तो इंडिया ने एक स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल फॉलो किया, स्टेट लेड डेवलपमेंट मतलब हैवी इंडस्ट्रीज़ की नीड थी हमें, बहुत ही हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़, जैसे कि माइनिंग के क्षेत्र में काम करना था हमें, आयरन एंड स्टील के प्लांट्स लगाने थे हमें, हैवी रोड कंस्ट्रक्शंस, डैम्स, ब्रिजेस हमें बनाने थे। कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आ गया था, क्यों? इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है और इसका जेस्टेशन पीरियड यानी कि रिटर्न जो आती है इन्वेस्टमेंट पे, वो बहुत लंबे समय के बाद आती है और रिस्क होता है ना। तो शायद इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटीज़ होंगी उस समय उद्योगपतियों में, ना ही उनमें इतना लंबा जेस्टेशन पीरियड बेयर करने की ताकत होगी। भारतीय सरकार को आगे आना ही था, तो भारतीय राष्ट्र ने ये निर्णय लिया कि हम स्टेट जो है वो निवेश करेगा। तो इंडिया ने माइनिंग में हाथ डाले, इंडिया ने नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन में हाथ डाले, डैम्स बनाए गए, ब्रिजेस बनाए गए, मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट्स लगाए गए, ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था भारत ने करना शुरू किया। फिर जब एक जगह पर आपने माइनिंग एक्टिविटी करनी शुरू कर दी, तो उसके आसपास माइनिंग कर रहे हैं आप बड़ी मशीन आप लेके आए सरकार, लेकिन उस बड़ी मशीन में छोटी छोटी रिपेयर चीज़ें लगती हैं, या फिर जब आप बड़ा काम कर रहे हैं तो आप जो छत है, एल्बेस्टर शीट है, उसे आयरन रॉड के साथ जब फिट कर रहे हैं तो आपको फास्टनर्स की ज़रूरत है, नट बोल्टों की ज़रूरत है। नट बोल्ट बनाने के लिए छोटी कंपनी कोई आ जाएगी, वो प्राइवेट होगी। तो आपने ये इमेजिन किया कि एज अ स्टेट हैवी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री में निवेश हम करेंगे। जो स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैं, जैसे कि ऑयल्स की बात कर लें, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल सीड्स की बात कर लें, फर्टिलाइज़र्स की बात कर लें, केमिकल्स की बात कर लें, ये जो स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैं ये भी स्टेट कंट्रोल करेगा। ये स्ट्रेटेजिक एरियाज़ हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ और एसेंशियल कमोडिटीज़ एरियाज़, ये स्टेट करता रहेगा मैनेज। इसके अगल बगल में एज एन एंसिलरी इंडस्ट्री प्राइवेट प्लेयर भी आ जाएगा। तो स्टेट के द्वारा किया जाने वाला काम सोशल वर्क, और दूसरी तरफ